Hello children, today I'll discuss back exercises of chapter number 1, The Cake That Grows. Get matching exercise. Match the following to make complete sentences. Two columns are given here. आपको two columns दिए हुए हैं, तो आपको sentences को आपस में match करना है. First I will read column 1, then I will read column 2, then we will match both of them. Sentence number 1. मोना डिग्स द गार्डन मीन्स मोना गार्डन डिग कर रही थी. नंबर टू इज द डॉग हिट्स द पाइल ऑफ मड. डॉग ने जो मिट्टी का ढेर था उसे हिट किया. नंबर थ्री इज द रूस्टर ब्रिंग्स रूस्टर लेकर आया. नंबर फोर इज ग्रैनी गेव मोना अ टिन ग्रैनी ने मोना को एक टिन दिया टिन का बॉक्स दिया. नंबर फाइव इज मोना इज हैप्पी मोना बहुत खुश थी. लुक एट कॉलम बी विद इट्स पॉ अपने पंजे से शुगर फॉर मोनाज केक मोना के केक के लिए शुगर. विद अ स्टिक छड़ी से टू मेक अ केक दैट ग्रोस ऐसा केक बनाना जो ग्रो करे. ई पार्ट इज टू गेट मिल्क मिल्क लाने के लिए. नाउ लुक एट सेंटेंस नंबर वन. मोना डिग्स द गार्डन मोना गार्डन को किस चीज से डिग कर रही थी किस चीज से खोद रही थी. विद अ स्टिक करेक्ट आंसर इज विद अ स्टिक. मोना डिग्स द गार्डन विद अ स्टिक. नंबर टू इज द डॉग हिट्स द पाइल ऑफ मड जो डॉग था उसने जो मिट्टी का ढेर था उसे किस चीज से हिट किया था. विद इट्स पॉ अपने पंजे से तो द डॉग हिट्स द पाइल ऑफ मड With its paw. Number three is the rooster brings. Rooster क्या लेके आया था? तो the rooster brings sugar for Mona's cake. Mona ने जब demand की थी कि मुझे sugar चाहिए, तो वो sugar के place पे क्या लेकर आया था? छोटे-छोटे pebbles, छोटे-छोटे पत्थर. तो rooster Mona के cake के लिए क्या लाया था? Sugar. Sugar के place पे क्या थे? वो pebbles थे. The rooster brings sugar for Mona's cake. Look at sentence number 4. Granny gave Mona a tin. Granny ने Mona को tin दिया था. किस लिए? To get a milk. जिससे वो अपने cake के लिए milk ला सके. Number 5 is Mona is happy. Mona बहुत ही खुश थी. क्यों? To make a cake that grows. क्योंकि उसने एक ऐसा cake बनाया था जिसने grow किया था. So Mona is happy to make a cake that grows.